मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. सो फर्स्ट इज प्लेन कर्व. अब प्लेन कर्व क्या होता है, किसी प्लेन सरफेस पे या कहे प्लेन पेपर पे आपको कुछ डॉट्स गिवन हो, उन्हें आपको ज्वाइन करना है विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल. तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, वो होगा हमारा प्लेन कर्व. सेकेंड इज ओपन कर्व. नाम से ही समझ में आ रहा है ओपन. अब एक मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है, ये इसके जो टू पॉइंट है वो क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ये क्या हो गया ओपन कर्व. थर्ड इज क्लोज कर्व. अब यहाँ पर भी मैंने कर्व ड्रॉ किया है, ये क्या है सभी तरफ से क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये होगा हमारा क्लोज कर्व. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली 9 सेगमेंट. अब एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो किससे बना होना चाहिए, ओनली 9 सेगमेंट से, इज कॉल्ड अ पॉलीगन. वो क्या होगा पॉलीगन. यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ड्रॉ किया है, ये सब तरीके से क्लोज्ड है और ये 9 सेगमेंट से बना हुआ है. नेक्स्ट इज ये भी क्लोज्ड है और ये किससे बना हुआ है 9 सेगमेंट, सो दे बोथ आर पॉलीगन. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन. अब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, सो फर्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन. यहाँ पे एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके वर्टेसेस क्या है बाहर साइड है, तो ये क्या होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन. अगर इसमें हम डायगोनल बनाएंगे तो वो कहाँ बनेंगे अंदर साइड बनेंगे. नेक्स्ट इज कॉनकेव. कॉनकेव में अगर हम कॉन को स्किप कर देते हैं तो क्या बचता है सिर्फ केव. केव मीन्स होता है गुफा, मतलब वो डायग्राम जो कि अंदर साइड बन रहे हैं वो क्या होंगे कॉनकेव. अगर इनके हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो एक डायगोनल अंदर साइड बनेगा और एक डायगोनल बाहर साइड. तो इसे लर्न करने की यही ट्रिक है कि कॉनकेव मतलब केव मीन्स गुफा, जो डायग्राम अंदर की साइड बन रहे होंगे वो कॉनकेव होंगे और जो जिनके वर्टाइसिस बाहर साइड होंगे वो होंगे कॉन्वेक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन. अब रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन. इसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल होते हैं वो होता है रेगुलर पॉलीगन. फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ ट्रायंगल, मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया, इसके तीनों साइड्स क्या है इक्वल है और अगर इसके एंगल देख लें तो वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे. अगेन स्क्वायर, स्क्वायर की भी ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो वो क्या होगा रेगुलर पॉलीगन. नेक्स्ट इज इरेगुलर पॉलीगन. ये क्या होता है रेगुलर का पूरा अपोजिट होता है, मतलब इसमें जो हम ट्रायंगल बनाएंगे रेक्टेंगल, इसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं. तो जिसमें ऑल साइड्स और ऑल एंगल इक्वल नहीं होंगे वो होगा इरेगुलर पॉलीगन, और जिसमें साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होंगे वो होगा रेगुलर पॉलीगन. लास्ट टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. इंटीरियर रीड करने पर ही हमें समझ में आ रहा है इन मीन्स इनसाइड. तो इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, इसके इनसाइड वाला पार्ट मतलब अंदर साइड वाला पार्ट क्या होगा इंटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स इंटीरियर का पूरा अपोजिट आउटसाइड वाला पार्ट, मतलब इसके जो बाहर साइड वाला पार्ट होगा वो होगा हमारा एक्सटीरियर.